नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फालतू फोकट गेमर में। और आप देख रहे हैं लेजेंड ऑफ जेल्डा ब्रेथ ऑफ द वाइल्ड। तो यहाँ पर एक श्राइन है जो जिसके बारे में आप लोगों को बताया था मैंने, और इस श्राइन में मुझे स्नो बॉलिंग करना है। तो मुझे यहाँ पर रास्ता तो दिख रहा है कि कहाँ से मुझे फेंकना पड़ेगा। एक्चुअली इसमें एक बहुत ही इस गेम में बहुत ही ज़बरदस्त मैकेनिक्स है कि आप अगर नॉर्मल छोटे से बॉल को लुढ़काते हो कहीं पे स्नो वाले हिल पे, तो वो धीरे धीरे करके बड़ा हो जाता है। तो ये मुझे पैटर्न दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ से जाकर वो उस गेट पे टकराएगा, वो खुल जाएगा। नाइस, अच्छा लगता है मुझे ऐसा गेट वेट खुल जाता तो। यहाँ पे बॉल वॉल मिलेगा मेरे को लाइफ में? नहीं मिलेगा। यहाँ पे रखे हुए हैं बॉल्स बहुत सारे, स्पेशली इसी के लिए रखे हुए हैं। एम्बर सिंह, ओके, तो एक बॉल ट्राई करके देख सकते हैं अपन। इसी तरीके का एक और श्राइन है, मतलब लोकेशन है जो कि बंद है, उसका भी देखना पड़ेगा मुझे कि कहाँ से। तो वहाँ पे कहीं पे जंप करके मुझे देखना पड़ेगा। तो वो रहा गेट, और मेरे ख्याल से अगर मैं यहाँ से फेंक दूँ, राइट, ओके, जा रहा है वो, जाइंग जाइंग कर रहा है वो, जाइंग जाइंग, यस पापा, जल्दी से खोल दो पापा, लेट्स गो। देख रहे हो कितना बड़ा हो गया, छोटा सा बॉल था हमारा। यस, ये हुई ना बात, डायरेक्ट तोड़ दिया उसको। अच्छा लगता है ऐसे तोड़ वोड़ देते तो। नाइस नाइस, तू 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 घी हरा शाइन, हरा घी कौन सा होता है? इसमें भी कुछ ना कुछ होगा ज़बरदस्त वाला वो करने का। ओके नाइस, इसका तो मैं समझ गया कि गिराना है उसके ऊपर। टैंडम, ओके, तो ये हमारे लिए खुल गया है भाई साहब जगह, भाई साहब वाली जगह। अच्छा लगता है मुझे भाई साहब वाली जगह। ओके, कहाँ खुला है लेकिन? अब ब्लॉक क्यों कर लिया भाई तू साला, ये क्या बदतमीजी है भाई। ओके नाइस, अच्छा लगता है मुझे ऐसा। ये अच्छा है यार, कोरोक सीट, कोरोक लीफ, प्लीज मेरे को मत मंडा। ओ तेरी, मैं वही सोच रहा था मेरे को पड़ेगा करके, बट कोई बात नहीं। हमारे पास अभी ऑप्शन क्या है? इधर है और इधर भी है, बट इधर जाएगा मैं। फेयर इनफ, भकाक, अच्छा लगता है मुझे ऐसा भकाक भकाक होता। तो भकाक वाला श्राइन अपन ने कर लिया, 11 श्राइन्स बचे हैं पता है करने के लिए। ये अगर हो जाएगा, ओ यहाँ पे एरो क्या कर रहा है मेरा, कहाँ से आया ये एरो? ऊपर से, नाइस, फ्री वाला एरो कहाँ मिल रहा है भाई आप लोग को? ओ डायमंड, डायमंड बहुत दे रहे हैं आजकल ये लोग श्राइन में। ऐसी 100 श्राइन मिल गया तो डायमंड की कमी नहीं रहेगी हम लोगों को। नाइस, ओके ओके, तो ये वाला मैं समझ गया हूँ मुझे क्या करना है। मुझे स्टॉप करके फिर फटाफट एरो मारना है इसको। लेट्स डू दिस, ओके, कुछ शॉट वाला एरो रहता तो अच्छी बात रहती मेरे पास, लेकिन बो मतलब क्विक शॉट वाला, और मैंने इतना अच्छा बो क्यों यूज़ कर रहा हूँ फालतू की चीज़ करने के लिए। ओके, अपन बो जो है ना बदल देते हैं, वो 48 वाला बो यूज़ कर रहा हूँ, देख रहे हो मैं इतना बड़ा नूब हूँ ना लाइफ में। देखो सारे गोल्डन गोल्डन बोज हैं मेरे पास, प्लीज़ मेरा वो दे दो भाई वापस। एरो नहीं मिलेगा, इधर गया क्या एरो मेरा? ये है क्या? नहीं, ऐ छोड़ो, एरो का लालच नहीं अपने को, अपन एरो नाथ नहीं है। नाइस, तो भैया ये अभी हो गया हमारे पास, कितना हो गया स्पिरिट ऑर्ब? 14 स्पिरिट ऑर्ब्स हो गया। फटाफट मैं बढ़ा भी सकता हूँ अभी,
तो वो वाला जो इसके पास वाला जो श्राइन है ना, जिसमें इसी टाइप का बदतमीजी करना है, तो उस टाइप की बदतमीजी करने के लिए अपन मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओके भाई, तो मैं वहाँ पर जा रहा हूँ जहाँ पर मुझे जो गेट है वो मिली थी, और मुझे पता भी है कि क्या करना है। तो वही है, अपने को कांड करना है यहाँ पर। ये गेट जो है यहाँ पर है, और इसके लिए अभी प्रॉब्लम ये है ना कि अपन यहाँ से अगर वो करेंगे तो नहीं जाएगा उसके तक, ठीक है। बट यहाँ पे से अगर देखेंगे हम लोग, एक मिनट, यहाँ पे हमें पहले प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। अच्छा लगता है मुझे प्लेटफॉर्म बनाना। बन रहे अबे, नाइस। ओके, तो एक प्लेटफॉर्म मैंने बनाया है ऐसा, और एक इसके बाद में ही बनाना पड़ेगा हमें इस तरीके से, और फिर उसके बाद ढुलकाना पड़ेगा उसको, ढुलक के जाए, है ना। तो यहाँ पे पत्थर रखे हुए हैं, ये पहले मैंने ट्राई किया था बट मुझसे हुआ नहीं। मैं गलती क्या कर रहा था पता है इसमें, कि ओ एक बड़ा वाला है, दो बड़ा वाला है मेरे पास। मैं गलती क्या कर रहा था, मैं यहाँ से फेंक रहा था उसको, बट यहाँ नीचे अगर मैं जाकर फेंकूँ, ओह शिट, ओके फंस गया ना ये, इसको तोड़ना पड़ेगा अपने को, ऐसा नहीं टूटेगा FFG। ओए गिरने का नहीं इधर, अंडा। ओए कौन मारा बे, चल हट साले। ओके, तो इसको मुझे किसी अच्छे वेपन से तोड़ना पड़ेगा। नाइस, एम्बर भी मिलता है फ्री में। ये कहाँ से आया लेकिन, ये मारखंडे। अब ये इसीलिए ट्रिकी है पता है, ये वाला श्राइन, इसको सिर्फ एंट्रेंस ओपन करना पड़ेगा अपने को, इसलिए ट्रिकी है ये, क्योंकि वो जो पोजीशन है ना इसका, आइस का, आपको एकदम परफेक्ट तरीके से उसको वो करना पड़ेगा। और ये अगर नहीं हुआ अभी, रुको मैं यहाँ से जाता हूँ, ये अगर सही एंगल पे नहीं हुआ ना तो आपको बहुत प्रॉब्लम जाएगी। देखो अभी ये वाला शायद काम कर जाए। यस यस यस, इट इज़ गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, आई लव इट। वो क्या हुआ, हाँ हुआ 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 हुआ, हो गया, अच्छी बात। डर 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 टन 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 टा टा। वो देख रहे हो कितने अंदर है श्राइन ये, और ये कुछ, ओ ओ ओ ओ ओ ये मैं फोटो खींचना पड़ेगा लग रहा है मुझे इस बोन का। यस लिवाइथन आइस केव, थैंक यू सो मच। ओके, इस वाले तक जाने के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं है इसमें, आराम से जा सकते हैं हम लोग। तो लेवाइथन का मेरे को दो मिल गया, तीसरा शायद मेरे को ये वाला खींचना पड़ेगा, या तीनों मिल चुका है मुझे। जो बोन्स है ना, वो एक क्वेस्ट था जिसमें तीन अलग अलग जगह पे बोन कब के बारे में बात किया, तीन की चार है पता नहीं, तीन ही है शायद, तीन लड़के थे और एक लड़की थी उसको परेशान कर रहे थे। ओ ये फ्री वाला श्राइन है, नाइस, आई लव इट आई लव इट। तो वो चीज़ है, ओ रॉयल क्ले मोड पे क्ले मोड दिया जा रहा है। एक मिनट, मेरे को ये अपना पंखुड़ी छोड़ना पड़ेगा। पंखुड़ा तोड़ के जाना बाबा गढ़ रे, मक्कल से मिल के कहना कर बके लेंगे पंखुड़ा। मैं चंपू डूड होते जा रहा हूँ धीरे धीरे, गाना बहुत ज़्यादा गाने लग गया आजकल। ओके 15 ऑर्ब्स हो गए हैं, एक और ऑर्ब मिलेगा तो चार हमारे पास हार्ट्स बढ़ाने की शक्ति हो जाएगी। तो अभी मेरे पास चैलेंज ये है, एक तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो जो डोम के जैसा दिख रहा था, डार्क डोम, वहाँ पे जाके मैं कर सकता हूँ एक के लिए, श्राइन के लिए, और डेफिनेटली वहाँ श्राइन होगा क्योंकि वो अलग ही जगह दिख रही थी।
और दूसरी चीज़ यह है कि मैं जा सकता हूँ ड्यूअल पीक्स में, उस पे दो श्राइन्स है उसको मैं कर सकता हूँ, तो ये वाला अपन डिलीट कर देते हैं। और क्या था, क्या और कुछ तो दिख नहीं रहा है, ये वाला भी डिलीट कर देते हैं, ये वाला भी कर लिया अपन ने। ये वाला कौन सा श्राइन था? अच्छा ये ब्लड मून वाला है। ओके ब्लड मून वाला और कहीं लगा के रखा है कि, मैंने देख लेता हूँ मैं यहाँ पे क्या सीन है। ओ ये एक श्राइन है, ये एक बताऊँ वो सर्कल टाइप का दिखा था, इसके लिए अपने को काकोरी का विलेज से क्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बंदे बोल रहे थे रात वाला कोई क्वेस्ट है। ओ एक ये श्राइन है। ओके चलो ड्वेलिंग पीक्स का कर लेते हैं अपन फटाफट, अगर होगा तो। कहाँ पे ड्वेलिंग पीक? ये रहा, तो मैं जाता हूँ शी पनीर वाले श्राइन में। और पता है एक एक का नाम शिवनाथ था शिवनाथ श्राइन था। नाइस, हमारे घर के पास शिवनाथ नदी है, मेरे सिटी में एक्चुअली, घर के पास नहीं, घर से तो काफ़ी दूर है। शिवनाथ नदी वैसे काफ़ी जगह से होके गुजरती है, स्पेशली छत्तीसगढ़ में। ओके तो वेयर आर वी? हाँ यहाँ पे है, अंदर जाने के इधर। यहाँ पे दो श्राइन्स हैं, ठीक है नाइस। ट्विन मेमोरीज, तो इसके नाम से समझ में आ ही रहा होगा अपने को मेमोरी के बारे में कुछ करना है। द श्राइन्स अटॉप दिस पीक शेयर अ कनेक्शन, देयर मेमोरी द आंसर टू द अदर्स क्वेश्चन। ओके तो अभी सीन ऐसा है, कमिट टू मेमोरी बिफोर यू स्टार्ट, लेस्ट अ फेलियर यू विल डिपार्ट। ओके तो मुझे ना यहाँ का जो पैटर्न है वो दूसरे वाले के, क्योंकि ड्वेलिंग पीक है, इसको पीक को काटा गया था तब ये दो श्राइन जो है अलग अलग बढ़ गए थे, तो मुझे याद रखना पड़ेगा तो पैटर्न जो है इसका। तो अपन एक काम करते हैं, सबसे बेस्ट तरीका है पांच में से डिवाइड करते हैं इसको, मतलब ये पहला हो गया, यहाँ से पहला हो गया, ठीक है यहाँ से पहला, मतलब 1 3 5 2 4 1 3 5 2 4। अब वो वाले उसमें जाकर 1 3 5 2 4 लगाएंगे अपन, तो वो वाला खुल जाएगा, और वहाँ का जो मेमोरी है उसको मैं फ़ोटो खींच लूँगा, राइट ऐसे ही करना होगा। और ओके नाइस, यहाँ पे आ गया। सॉरी गाइस, मुझे आजकल 11 बजे भी मैसेज आते हैं अपने। ओह, एक और स्टार, नाइस, बहुत गिर रहे हैं भाई स्टार्स तुम। पर यार मैं क्या था उसका, ओह शिट गलती कर दी मैंने। ओके यहाँ पे खड़े होके तेरी 1 3 समथिंग था वो। ओके तो मुझे फ़ोटो खींचना पड़ेगा इसका, क्योंकि मुझे ऐसे याद नहीं रहेगा, मैंने गलती वही की थी। इतने मैसेज क्यों आ रहे हैं भाई, पागल हो गए क्या सर आप? ओके लेट्स खींचो द फोटो। अरे हाँ नाइस। ओके तो ये वाले श्राइन का ये फ़ोटो खींच गया था। मैंने क्या बोला था, 1 3 5 2 4 था ना उसका, 1 3 5 2 4। एक सेकेंड देखते हैं मेरी मेमोरी कितनी अच्छी है। तो इसको डालते हैं अपन 1 पे 1, वो 3 है, ये वाला अपन डालते हैं 4 पे, सॉरी 5 पे 2, और ये वाला 4 पे डालते हैं। 4 ही था ना कि 3 था?
व्हाट नहीं हुआ क्या है? ओके उधर जाके मुझे देखना पड़ेगा। ये चीज़ अच्छा है कि मैं फास्ट ट्रेवल कर सकता हूँ फटाफट। उसका भी एक फ़ोटो खींच लेंगे अपन। नाइस नाइस बासमती राइस करके। वैसे खींचने की ज़रूरत नहीं है बस। कम ऑन यहाँ पे कौन पैदा हो गया था? एक एनिमी पैदा हो गया था पैदा नहीं होने का मेरे सामने। अच्छा नहीं लगता मुझे ऐसा पैदा देखना। ओके ओ एक और चीज़ यार। 1 3 5 2 4 ओके मैंने ये गलती कर दी है। नाइस तो यहाँ पे मुझे पहले प्लेटफॉर्म पे खड़े होना पड़ेगा राइट। प्लेटफॉर्म पे खड़े होके फिर जो एंगल से दिखेगा वो मुझे कैप्चर करना है। ओके इसलिए नहीं हो रहा था। तो इसका है 3 5 2 4 1 3 5 2 4 1। यार लिखने के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं है। चलो फोटो खींच लेते हैं अच्छा वाला। ओके 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 नाइस वेरी वेरी नाइस। प्लीज़ अच्छा वाला फ़ोटो आना प्लीज़। ओके तो 3 5 2 4 और 1 राइट यस दिस इज़ करेक्ट। चलो अगर यहाँ पे आए हैं तो अरे उसका तो अपन ने किया नहीं है। कोई नहीं फटाफट वो कर लेते भाई। बैक एंड फोर्थ बहुत है गेम में। टेंशन मत लेना आप लोग ठीक है। लाइफ में ऐसा टेंशन नहीं लेने का फालतू का FFG से बनने का ज़्यादा टेंशन लेने का। फालतू बात तो कोई मेरे से ही करा लो। थ्री फाइव फोर टू वन। उसका भी एक खींचना ही पड़ेगा अपने को फिर उसके बाद ही काम करना पड़ेगा। ओके तो टूवर्ड्स दिस ऐसे रह के अपने को खींचना पड़ेगा। आ जा भाई प्लेटू फॉर्म। अरे ये तो यहीं था यहीं से खींच लेते हैं यार। ओके इसका अलग ही सीन है। मेरे ख्याल से मैंने जहाँ से फ़ोटो खींचा था लास्ट टाइम वही बेटर था बट ठीक है गलती है तो भगवान से ही होती है। आई थिंक दिस इज़ ओके प्लीज़। समझ में तो नहीं आ रहा है। बीच वाले में नहीं है उसमें बाकी सब में है। नाइस 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 वेरी नाइस। ओके 3 5 4 2 1 चलो करते हैं भाई हिसाब इसका। एक्चुअली श्राइन सिंपल है अगर आप दिमाग लगाते हो। 3 5 4 लेट्स होप कि सही हो। 3 5 4 ये 2 और ये 1 पे आएगा। प्लीज़ खुल जाना यार बेइज्जती होती है बहुत ज़बरदस्त। सॉरी सही तो किया है ना मैंने। हाँ ये क्या बकवास है सही तो किया यार मैंने। मैं कुछ गलत कर रहा हूँ यार लाइफ में। ओ ओ ओ ओ 3 5 2 4 1 था यार ये शिट इसलिए बोलते हैं होशियारी नहीं माना चाहिए। 3 5 2 4 1 है
यहाँ पे मैंने मिसकैलकुलेशन कर दिया था थोड़ा सा, गलती से स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है लाइफ में। मैं घबरा गया था पता है, मैं गलत कर रहा हूँ करके, ऐसे गलत तो बहुत सारी चीज़ें करता हूँ। यस हो गया, ओके। तो ये एक्चुअली अगर आपने एक कर लिया तो दूसरे का आपको इजी हो जाता है। ये प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए क्या मुझे? वैसे उधर चेस्ट है, चेस्ट की किसको किसको ज़रूरत है जब तक आपके पास ब्रेस्ट है। और इस वाले में वो नहीं था, सेंटर में कुछ नहीं था। थैंक यू सो मच लवली सिंह। लवली सिंह कौन है? 8 श्राइन्स बचे यार, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ पूरा कंप्लीट करने के लिए। कई लोग बोल रहे होंगे कि फालतू बढ़ा रहा है FFG इस गेम को, लेकिन यार श्राइन्स अगर आपने नहीं किया इस गेम में तो क्या किया? श्राइन्स नहीं किया, सारी चीज़ों को अपग्रेड नहीं किया, और ये बहुत ही मुश्किल से ऐसा गेम आता है जिसमें आपको हर एक चीज़ जो है करने में मज़ा आता है। जैसे कि समझ लो ओपन वर्ल्ड में मुझे इसमें भी बहुत मज़ा आया था, होराइजन ज़ीरो डॉन में काफ़ी सारी चीज़ें की थी मैंने, 100% नहीं किया था मैंने, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें की थी मैंने उसमें, आर्मर लेना एंड ऑल दैट। और ये था मेटल गियर सॉलिड 5 था, उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें। कौन पैदा हो रहा है बार बार? ये साला चिरपुटिया, चिरपुटिया को रहने देते हम लोग। अब इस वाले में क्या है? इस वाले में एक सेकेंड, इस वाले में है 4 और फिर 1 और 3, बीच वाला खाली, फिर 2 5। ओके ओके, तो टूवर्ड्स दिस ये जाएगा अपना इधर पे, ठीक है। देखा देखा क्या पारा, ये कौन सा था? ये वाला था दूसरे वाले पे, इसमें कुछ नहीं था, इसमें 1 3 था, 1 और 3। नहीं हुआ क्या? अच्छा अच्छा, इसमें इसमें एक्चुअली 4 था पहला वाला। जीजीस विद योर जीजीस प्लीज। यस योश, बहुत मेहनत लगती है भाई ये सब फालतू की चीजें करने के लिए। ओ भाई रुक जा प्लेटफॉर्म, रुक जा, जाने करी जाने करी जाने करी। ओ थैंक यू सो मच, ओके। तो यहाँ पर यहाँ पर ही होना चाहिए। ओ इसमें यहाँ पर नहीं है, तो कहाँ पर है? फ्री वाला कहाँ है भाई? चेस्ट नहीं है क्या? ओ इधर है, वही मैं बोलूँ कि कहाँ गया करके। ओ एज ऑफ ड्यूअलिटी है यार, बहुत चलती है पता है एज ऑफ ड्यूअलिटी। लेकिन बस बेटर शॉर्ट्स है तो अपने को टेंशन नहीं है उसकी। चलते हैं फटाफट इसका भी ऑब ले लेते हैं। तो आज की डेट में अपन ने 4 श्राइन्स पूरे कर लिए अभी तक। अब क्या बचा हुआ है? कास वाला एक श्राइन है, पता नहीं मैं वो कर पाऊंगा कि नहीं, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया था। और वहाँ पर जाने के लिए भी काफ़ी टाइम लगेगा। सोचना पड़ जाता है लाइफ में। ओके
ये वाला है वो श्राइन, बहुत दूर है यार, लेकिन डैम इट, एक और श्राइन था ना जो कर सकते थे शायद अपन। मुझे लग रहा है मुझे इस वाले पे ही जाना, ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ये कौन सा श्राइन था ये? हाँ ये वही वाला श्राइन है। ओके, मुझे अभी बिल्कुल आइडिया नहीं है व्हाट डू आई हैव टू डू, क्योंकि देखो मेरे पास अभी कितने कितने श्राइन्स बचे हुए हैं मेरे करने के लिए। पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है, 6-7 कुछ बचे होंगे है ना। और मेरे पास अभी श्राइन के नाम पे एक चीज़ ये है, एक चीज़ ये है, दो ही है। तो कहीं ना कहीं मैं श्राइन जो है ना मिस कर रहा हूँ, राइट। मुझे खोजना पड़ेगा भाई, मैप वैप देखना पड़ेगा। और यहाँ पे तरन पास वाला, ये भी तो कर लिया था। ओके, यहाँ कहीं पे मिसिंग हो सकता है यार, क्योंकि ये बहुत बड़ी जगह है जहाँ पर अभी तक कुछ भी नहीं है। तो होपफुली वहाँ पे होगा। ये कौन सा वाला एरिया? ड्यूलिंग पीक जो है उसके पास वाला ये एरिया है ना यार। यहाँ पे एक एक ऑलरेडी कर चुका हूँ ना मैं तो, और ये ज़्यादा बड़ी जगह नहीं है यार। मैं कहाँ मिस कर रहा हूँ, मेरे को इरिटेट हो रहा है पता है। ये वाला मैं भी कर नहीं सकता क्योंकि मुझे ब्लड मून के लिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। और मुझे कहीं और श्राइन नहीं दिख रहा है। तो 3 श्राइन है जिसको मैं कर सकता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, बट उसमें से एक तो इम्पॉसिबल है अभी फ़िलहाल करने के लिए, दूसरा मेरे को थोड़ा सा दिमाग को लगाना पड़ेगा। डैम इट, अच्छा नहीं लगता मुझे ऐसा करना, लेकिन चलो कोई बात नहीं। कास वाला जो है ना, काश आकाश प्रकाश झकास और संडास वाला, वो कर लेते हैं पहले। धारा रो रो रो, ये मैंने पहला गाना जो है ना अपने बच्चे के लिए बनाया था। ओ यार ये वाली जगह है क्या? टेमिटवा। ओके, यहाँ से मुझे निकलना कैसे है? मेरे पास एक ही रिवालिस गेल है वे, और आई थिंक मुझे इधर जाना है। चलो भाई बर्बाद कर दो, एटलीस्ट वो रिचार्ज होते रहेगा। तो ये वाला जो श्राइन था ना, ये बहुत ही इरिटेटिंग था, और जिसके पास मैं जा रहा हूँ वो मेरे ख्याल से सबसे डिफ़िकल्ट पजल्स में से एक हो सकता है। मतलब सिर्फ श्राइन क्वेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, कास की, काश प्रकाश 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 अंडास उसके लिए। आप लोगों ने ये एरिया भी नहीं देखा है ना। वहाँ पे जो है ना काश बाबू जो है मस्त टाइप से ना गाना वाना बजा रहा है, और यहाँ पे एक लाइनल भी है पता है जबरदस्त वाला। वो देखो वहाँ पे जो छोटी छोटी टापूस दिख रही है ना, वहाँ पे मुझे जाना है। और मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया था वो क्या करना है, और मैंने उसका कोई वीडियो भी नहीं देखा है। तो आई डोंट नो कि अगर मैं इस तरीके से जाऊंगा, और अभी क्या है इतने श्राइन कर लिया ना मैंने, फ्रस्ट्रेशन होता है मुझे अगर मैं अटके रहूँ किसी श्राइन पे। तो आजकल मैं वीडियोस देखना चालू कर दिया हूँ, नहीं तो फिर आप लोग मुझे बोलोगे भाई क्या है एक एक श्राइन के पीछे आधा आधा घंटा काय को लगाने का, ऐसे ऐसे नहीं लगाने का फिर जी। ये बस्ती बसी नहीं, लुटेरे पहले आ गए, देख रहे हो लेजाल्फोस। ओ पालना चालू कर देते हैं लोग, पदेश्वरी है लोग। ओ तो यहाँ पे हवा जो है, ओ भाई पर्पल लेजाल्फोस है। तो यहाँ पे जो है पहले अपन काश के पास जाते हैं, काश आकाश प्रकाश आकाश के पास, देख रहे हो। और यहाँ पे हवा जो है एक ही तरफ बह रही है, उड़ती हवा था था था। कहाँ गया काशु, काशेश्वरी? अबे हवा हवा साथ ही नहीं दे रहा मेरा। ओके अब दे रहा। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बताइए उड़ उड़ के जा। ओ भाई साहब देखो, भाई साहब को देखो, खरगोशा समोसा खा तू, ठीक है दे दे अपना माल,
लिज आल्पोस टेल्स। कहाँ हो रहे भैया? ओह आई वाज श्योर दैट आई वुड बी अलोन इन द रिमोट प्लेस लाइक दिस। पार्डन मी फॉर नॉट ग्रीटिंग यू सूनर। ओहो सी यू, ऑल्दो आई गेस आई शुडंट बी सरप्राइज्ड टू सी यू हियर। आई नो अ सॉन्ग अबाउट दिस प्लेस, वुड यू लाइक टू हियर द एंशिएंट पर्स पास डाउन। थैंक यू वेरी वेरी मच फालतू की बात बताने के लिए। तो ये बताएगा हमें, ही ब्रेक्स द रॉक दैट सर्व द बाइंड अबाउट द समथिंग समथिंग। ओ ऑन विंग्स ऑफ क्लॉथ एंड वुड इंटरट्वाइंड ही लैंड्स ऑन द अल्टर टू। अच्छा ओके ओके समझ गया मैं। तो मुझे जो ये है ना एयर फ्लो जो है, सॉन्ग कुड बी वेरी बेस शॉर्ट ऑफ विंग्स क्लॉथ जो सी रिटेल बन नेवर टेक केयर ऑफ लाइट। ओके ओ ये कहाँ से आ गया? बट तो ये जो है मुझे ओके वो तोड़ना है, बट ये कहाँ से आया यहाँ पर? ये तो वो है ना अरे रुक के यार, जाने थे मुझे यार, ये मुझे चाहिए था यार इसका वो करने के। अरे रुक, मारने का नहीं मेरे को, फिर मारा। ओके तो यहाँ पे सीन ऐसा है ना कि वहाँ पे ब्लॉक था, उसको मैंने तोड़ दिया था वो करते करते। अभी ये जो चीज़ है, अरे ये क्या कर रहा हूँ मैं? अबे रुक, तो इसको अपन वी करेंगे। मेरे ख्याल से मैं एयर फ्लो में देख सकता हूँ इसको। हाँ बस यही बचा था लाइफ में लिंक, ठीक है। एंगल भी नहीं दिखता इसको, कैसे शादी करेगा ये लड़का? ओ भाई वो मैं यहाँ से फोड़ भी नहीं सकता। एक मिनट यार, वो मेरे टकले में मारते रहेगा, नहीं तो यहाँ से नहीं टूटेगा। ओके ओके मैं थोड़ा सा ऐसे करूँगा, अगर तो यहाँ तक चला जाएगा अगर तो मैं फोड़ सकता हूँ, नहीं फोड़ता। एक मिनट मैं नॉर्मल रख दूँगा इधर। ओके जा रहा जा रहा जा रहा, नाइस। ओके तो यहाँ से मुझे ऐसे उड़ के जाना है राइट, वहाँ से ऐसे आना है फिर यहाँ से उड़ के जाना है। एक मिनट पहले देख लेते अपन कि कहाँ ले जाता है हमें। ओके यहाँ से उड़ के जाके मैं क्या कर डालूँगा फिर? मुझे क्या ये वाला फ्लो लेना है? ये फ्लो काम नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे भी है लोचा। ओ समझ गया मैं फालतू टेंशन ले रहा था इस श्राइन के बारे में। बस करो यार, दिमाग ख़राब कर दिया इसने, मर साला। ओके तो यहाँ पे फ्लो बन गया। ओके ये फ्लो मुझे यहाँ पे लेके जाएगा। हाँ एक मिनट चेक कर लेते हैं ये फ्लो जो है और कहीं जाता है क्या? ओ नहीं, कहीं तो रुक रहा है क्या फ्लो? इतने सारे केकड़े हैं यहाँ पर, केकड़ा पैराडाइज से बोल रही है। यार एक काम करता हूँ ना मैं, मेरे को इससे दिख जाएगा। यहाँ पे मैंने कोरॉक सीड भी लिया था यहाँ पे ऊपर चढ़ के। ओ वहाँ पे ब्लॉक्ड है शायद, यही ब्लॉक्ड है ना? आई थिंक यही ब्लॉक्ड है, नाइस। और ये भाई साहब को निपटाना पड़ेगा, मर साले एसोसिएशन का लीडर हूँ मैं। ओ ये ब्लॉक्ड है, मैं अगर क्या चुई चुई कर रहा है? नहीं ये काम नहीं करेगा। क्या चुई चुई आवाज़ आ रही है? ओ भाई रुकोगे तुम लोग? ठीक है उठ बेटा तू उठ, चल साले। अरे हाँ मरा, अच्छी बात है तेरा टेंटेकल्स लेगा मैं। थैंक यू, आर्मर्ड पोर्गी भी मिल गई, पोर्गी खड़े। मैं चाहूँ तो बॉम्ब, यार मैं एक काम करता हूँ, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मेरे को वो नहीं करना है अभी ये मारने का, इसको ज़्यादा होता तो। अरे नहीं चट केकड़े मर गए होंगे सारे। व्हाट मैं ये नहीं मार सकता बॉम्ब एरो? क्या बात कर रहे हो, मेरा निशाना नहीं जा रहा है वहाँ पर। वैसे यार अगर मैं ये करूँ, ओ मेरे बाप, रिवाली तो दिमाग मत खराब कर, ठीक है। ऐसी की तैसी कौन मार रहा था मेरे को इधर? आज साले अदालत ताले कहाँ है तू? ओए नहीं मैं ये वाला एरो नहीं यूज़ करना है भाई इन लोग के लिए, ठीक है। लिंकू रिलैक्स कर, चिल कर, चिल आ जा
चल उठ दे मर साले। ओके हो गया, दिमाग खराब करना बंद। ओके तो मैं अगर अपना बॉम्ब जो है ऐसा लूँ और इसको इधर गिरा देगा अपन तो भी नहीं जाएगा वो, बस छोड़ो। मजबूरी में मुझे वेस्ट करना पड़ेगा भाई। नाइस। ओके तो यहाँ से खुल्लम खुलाई हो गया है सारा चीज़ शायद। यस दिस इज सॉल्व आई थिंक। तो मुझे कहाँ से जाना पड़ेगा अभी? यहीं से चलूँ क्या मैं? क्या डायरेक्ट लैंड कर सकता हूँ कि मुझे पूरा घूमना पड़ेगा? इतना ही करना था मुझे, सिर्फ उसको ही ब्लॉक अनब्लॉक करना था। नाइस ठीक है, कोई टेंशन नहीं गाइस, टेंशन मत लिया करो आप लोग, बहुत टेंशन लेते हो मेरे लिए, बट ऐसा नहीं करना चाहिए आप लोगों को। लाइफ में और भी बहुत कुछ है टेंशन लेने के अलावा, ठीक है, स्पेशली मेरा टेंशन। प्लीज़ भाई मैंने बहुत मेहनत की इसको, प्लीज़ फ्री वाला श्राइन दे दो मेरे को प्लीज़। शाही योता श्राइन, बहुत छोटा श्राइन है ये, प्लीज़ 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 प्लीज़। टाइम फ्लाइज इफ़ यू एवर वॉन्ट टू एडवांस टाइम सीक आउट अ कोजी कैंप फायर वेर यू कैन पास टाइम। पता है मेरे को। ओ चलो फ्री वाला श्राइन है, थैंक यू सो मच गेम, आई लव यू, आई लव यू। अरे तेरी तो, एक मिनट, मेरा ग्रेट फ्लेम ब्लेड जो है 34 का ही है क्या? बट इसको मैंने यूज़ किया लेकिन ड्यूरेबिलिटी अप है इसकी। एक सेकंड इसको ड्रॉप करता हूँ एक सेकंड के लिए। ये वाला क्या है, इसकी ड्यूरेबिलिटी है क्या है? ओ ड्यूरेबिलिटी अप प्लस है ये। एक सेकंड, बेस डैमेज कितना है इसका, इस वाले का? कांट टेक इट। अरे एक सेकंड इसको ड्रॉप करते हैं अपन, इस वाले को पकड़ते हैं। 26 और 34 है ये, ठीक है। इसको अगर मैं ड्रॉप करूँगा तो ये कितना है, 26 और 34 ये भी है। बट ड्यूरेबिलिटी अब प्लस है ना ये। एक सेकेंड ना, ये ड्यूरेबिलिटी अब प्लस है और वो अब प्लस है तो मतलब उसमें ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी है। नाइस थैंक यू सो मच। और मैंने थोड़ा यूज़ भी किया है उसको तो फिर उसकी ड्यूरेबिलिटी तो और कम होगी पुराने वाले की। टन अच्छा लगता है, टन से बचता दिमाग का दही है पता है ये सब श्राइन्स जो है। नाइस तो 18 हो गए हैं और टोटल अभी सिर्फ 6 श्राइन्स बाकी है गाइस, तो अपन इसको फिनिश कर सकते हैं फटाक से। और बड़ा बनाऊं क्या वीडियो में? आप लोग बोलोगे तो मैं बना सकता हूँ। 6 श्राइन्स, मुझे 2 का पता है अभी, मुझे 2 का पता है। शिट चलो कोई बात नहीं, अभी कितना बज रहा है, रात के 12 बजे कि दोपहर के 12 बजे कुछ समझ में नहीं आता लाइफ में। ओके इस गेम में ना क्या बताऊँ मैं, एक काम कर सकता हूँ मैं कि अपने को कुछ कुछ चीज़ें करनी हैं। कुछ चीज़ें तो करनी है बट क्या करनी है अपने को? मेरे ख्याल से मुझे छोटा बनाना चाहिए। और मैं आज का जो वो वाला एपिसोड था ना वो रिकॉर्ड करने के बाद मैं बहुत थक गया हूँ सॉर्ड एंड शील्ड का, क्योंकि मैं 2-2 रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना सॉर्ड एंड शील्ड का, और वो बहुत हैक्टिक हो गया था मेरे लिए। बट एनीवेज गाइस बहुत बहुत धन्यवाद इस पार्ट को देखने के लिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को मज़ा आया। मज़ा आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। अगली बार हम लोग 100% जो श्राइन है उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। मुझे 4 श्राइन्स ढूंढने हैं और वो मुझे मिल नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों।
मुझे देखना पड़ेगा कि कौन से श्राइन्स बचे हुए हैं, और फिर उसके बाद मैं यूट्यूब वीडियो ही देख लूँगा यार। मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलूँगा, मैं जब देखता हूँ तो मैं पहले ही बता देता हूँ। बड़े विज गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद इस पार्ट को देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मज़ा आया। मज़ा आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, ताकि फटाफट हम इसके पार्ट जो है हम लोग लेके आते रहें और जल्दी से ख़त्म करें इस गेम को। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।